गुड मॉर्निंग गाइस। कल गायब हो चुका था। गायब होने का रीज़न ये था कि बारिश स्टार्ट हो गई थी। बारिश स्टार्ट होने की वजह से मुझे GoPro निकाल के अंदर रखना पड़ा। और दिस इज़ द रूम। ओके, काफ़ी डिसेंट सा रूम है। तो ये मुझे मिला है सिर्फ 600 रुपये पर नाइट। ओके, तो यहाँ पे रुका। यहाँ पे जाने के बाद, डिनर करने के बाद, आई हैड अ वेरी गुड डिनर आई मस्ट से। रत्नागिरी में मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी होटल में जाओ, आपको अच्छे से अच्छा फूड ही मिलेगा। क्योंकि अब तक मतलब लंच भी मेरा बढ़िया रहा है, डिनर भी मेरा बढ़िया रहा है। तो मैं कल जल्दी सो भी गया। रीज़न ये था कि मैं सोचा अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठूँगा, जल्दी उठ के जो भी चीज़ें कवर करनी है, जैसे कि पहले तो मुझे दर्शन लेने के बाद फिर सोचेंगे कि कहाँ जाना है। बेसिकली सो हियर वी गो। सो नाउ विल डायरेक्टली हेड टू आरेवारी बीच। तो मोबाइल यहाँ है, वॉलेट यहाँ है, कपड़े पीछे हैं, GoPro लगा हुआ है। ओके, कुछ भूला नहीं हूँ, ठीक है। बहुत गंदी आदत है मेरी, मैं किसी भी ट्रिप में जाता हूँ कोई एक चीज़ कुछ ना कुछ तो छूटता ही है पीछे। कोस्ट लाइन जो है ना महाराष्ट्र में, द बेस्ट वन, बेस्ट है सीरियसली यार। सी दिस प्लेस, वहां पे बीच है। एक्चुअली वो गणपतिपुली बीच है, उसके थोड़ा आगे टेंपल है, राइट हैंड साइड में मुझे दिख रहा है। आई कैन सी द वो गैप मुझे दिख पा रहा है, वहीं पे टेंपल है। तो this guy clicked one picture for me. वो प्लेस वैसा था जहाँ पे आप शांति से बैठ के सुकून से, यार बहुत ब्यूटीफुल प्लेस था, बहुत 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 सारा ब्यूटीफुल बीच था। ये है भंडारपुरे। कका आ रहे वारे थोड़े, लुक एट द प्लेस। आलो होतं ना तिथे दिन पहिले तर आहे जे मी, अच्छा आता नाही जमत, आता ना जमत, आता ही हवा पाहिजे ही ही कुछ काय काहीतरी मुंबईला गेले आता मी आजारी होतो। मुलगाच तिथे आहे ना मुंबई मध्ये, लाडका असेल तुमचा, लाडका असेल तुमचा। ये है आरे बीच। ब्यूटीफुल वन।
7 hours 49 minutes और अब बज रहे हैं 10. सो आई मीन रुक के भी गए तो भी 12 घंटे नहीं, उस अकॉर्डिंग टू तो रात को 10-11 बजे पहुंचना है मुझे. नो प्रॉब्लम, पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं. तो आराम से आए थे, आराम से जाएंगे. यहाँ से लेफ्ट है या राइट है जोश में है छोटा. ये गूगल मशीन अटकाई गया अपने को, किसी दिन गलत रास्ते से ले लिया, वहाँ पे किसी लोकल को पूछा कि रास्ता पूरा ख़राब है और यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हाईवे आपको जहाँ से मैंने अभी लेफ्ट लिया वहाँ से अगर मैं राइट लूँगा तो फिर वो हाईवे बहुत इजी है वहाँ से, मतलब दैट विल कनेक्ट डायरेक्टली टू हाईवे और वहाँ से ऑब्वियसली हाईवे से कनेक्ट कर लेंगे तो फिर फटाफट पहुँचेंगे यार. तो रत्नागिरी से होते हुए रास्ता ले जा रहा था और ये गांव से होते हुए, और गांव में भी सीन ये है कि रोड भी सारे ख़राब है तो यहाँ पे ज़्यादा समय लगता पहुँचने के लिए. तो ठीक है, यू टर्न ले लिया है, गोइंग द अदर साइड. ओके चलो करते हैं अपडेट. आते हुए मैंने क्या किया था कि गूगल मैप मैंने देखा ही नहीं, मैंने ओपन ही नहीं किया था. तो मुझे मतलब पहले मुंबई से रत्नागिरी का जो हाईवे बहुत सिंपल है, बस इतना समझना था कि राइट कहाँ से लेना है और बीच में एक्चुअली मुझे कोस्टल लाइन से होते हुए गणपतिपुळे जाना था. तो उसके लिए मैंने वहाँ के लोकल्स को पूछा कि कहाँ से मुझे अंदर जाना चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा स्टार्ट में मैंने गुहागर करके एक प्लेस है, तो गुहागर पहले मैं गया वो कोस्टल लाइन पे और वहाँ से गणपतिपुळे का जो लाइन है वो स्टार्ट हुआ, तो वो भी मतलब बढ़िया था. तो इट्स बेटर टू नॉट ओनली रिलाई ऑन गूगल मैप, अपने लोकल्स को भी पूछते हुए पहुँचो और वो भी ठीक है. कभी कभार 80% गूगल मैप काम आता ही है, बट वो 20% की वजह से भी कभी कभी तुम अटक सकते हो. जहाँ पे भी आपको ज़रा भी डाउट गया ना कि यार शायद गलत रास्ते पे, यार रास्ता ठीक नहीं है, तो लोकल्स को पूछना बेटर है. हाव की जो खुशबू होती है ना बहुत अट्रैक्टिव होती है यार. तो देखो व्यू, देखो गड्ढे भी देखो. कार्ड फुल हो चुका था, मेमोरी कार्ड फुल हो गया था या फ्यूल अप भी कर लिया, तो आई थिंक अभी कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है. फ्यूल रेंज इज 410 और अपने को कवर करना है 356 और 370 किलोमीटर आई गेस. मुंबई स्टेट है ना, मुंबई स्टेट ना. थैंक यू. ओके स्पीड मेंटेन करते हुए निकलना है, तो कोशिश करेंगे ज़्यादा लेट ना पहुँचे घर, लेकिन ज़्यादा हाई भी नहीं करूँगा मैं, सेफली जहाँ पे स्पीड की रिक्वायरमेंट है बस वहीं.
जस्ट लंच कर लिया मैंने और बैक ऑन ट्रैक। तो अभी यहाँ से और 6 घंटे बता रहे मुझे टू रीच होम। सीरियसली कम से कम 7 से 8 किलोमीटर का कंटिन्यू ऑफ रोडिंग था। ऑफ रोडिंग में इसका पूरा रास्ता ख़राब था यार, और ऊपर से सारे हैवी व्हीकल चल रहे हैं और हैवी व्हीकल चल तो रहे हैं, इतनी धूल मट्टी यार मेरी हालत देखो, ग्लव्स विकल्स इतनी धूल मट्टी बॉस। हाँ ठीक है, स्टिल ऑल गुड। तो अभी यहाँ से आई थिंक और 160 और 70 किलोमीटर्स बचे होंगे, तो लेट्स सी। फिर रही मुंबई के ट्रैफिक, टाइम इज 6:30, 6:30 बज रहा है और मैं पहुँचा हूँ जस्ट क्रॉस के एरोली, और यहाँ से मुझे लग रहा है 1.5 से 2 घंटे और लगेंगे। तो यार आज तो अच्छा से को भी है यार, कैसे भी 8 से पहले पहुँचना है मुझे, विल ट्राई बट केयरफुली। एक और घंटा यहाँ से यहाँ पे अपना टाइम हो चुका है 7:13, आई थिंक 45 मिनट्स वुड बी 45 मिनट्स में पहुँच जाऊँगा।